बघा से हाजीपुर, दो महल तीन महल एक महल मकाने उड़ गई। इस साल वहां पर 350 करोड़ का काम हुआ उस बांध पे, लेकिन वो बांध नहीं बचा, कहीं काम नहीं हुआ और पूरा का पूरा कुछ ईटा सोलिंग छोड़ के पूरा का पूरा मिट्टी वर्क। पिपरा बांध टूट गया, अरे सुशासन और नीतीश कुमार जी अब कब नींद खुलेगी? 172 लोग बाढ़ में मर चुके हैं, कब बाढ़ क्षेत्र घोषित कीजिएगा? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेतिया, बगहा, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, तीन तीन दिन बांध पर हम सोए। मेरे नाव में सांप था, हमारे साथ गांव डूब गए रात के 12 बजे गोड़िया कोठी में, बहुत मुश्किल से सातों घाट को निकाला गया। गोपालगंज में हमारे ट्रैक्टर 2 मिनट के अंदर हम 3 बांस नीचे जाते, वो भी बाजार में। कितना मौत लेंगे आप, कितनी जिंदगी को समाप्त करेंगे? ना तो कहीं नाव, ना तो कहीं पन्नी, ना तो कहीं राशन, ना तो कहीं जनरेटर, ना तो कहीं चापाकल, ना अभी तक 20,000 रुपया अकाउंट में डाला गया। कहीं भी सीओ बीडीओ डीएम नहीं निकलता है। क्या इन नेताओं को डेंगू का एहसास नहीं होना चाहिए? क्या इन नेताओं को पन्नी के नीचे अपने परिवार को जीने का एहसास नहीं होना चाहिए कि मिडिल क्लास और गरीब जीता कैसे है? सड़कों पर सोया रहता है ट्रक चिप के चला जाता है, रोड पर सोया रहता है टेम्पो चिप के चला जाता है। गायघाट, कटरा से लेकर के जो हालात है, जो मंजर है, बोछा पूरा मुजफ्फरपुर इंडस्ट्री इलाके में हम भर कमर पानी में रात में थे। नर्क मंत्री का घर वहां पर बगल में, बस लूट, बस लूट। मैं सीधा कहता हूं कि टैक्स देना इस सरकार को बंद करिए। यह सरकार टैक्स के पैसे का चोरी करता है और यह सरकार टोटल टैक्स का पैसा लेता है। ना तो सुरक्षा और ना ही जीने का कोई तरीका।